गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मैकेनिकल नॉलेज में। आज दोस्तों हम देखेंगे कि क्लैंप कैसे बनाते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है क्लैंप, जिसमें डायल गेज फिट होता है। तो आइए हम ये एक्सियल एफडी फैन के पास हैं, इसमें देखिए क्लैंप बनाने के लिए सबसे पहले ये हम एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लेंगे, इसमें फिर M12 का होल करेंगे, जो कि यहाँ M12 का बोल्ट लग रखा है और होल लग रखा है। फिर दोस्तों एक ये पट्टी लेंगे 200 mm के करीब, और इसमें ये M12 का होल के अनुरूप M12 का बोल्ट चला जाए, इस अनुसार ही होल करेंगे। फिर ये हम तीसरी पट्टी लेंगे करीबन 100 mm का, और इसमें भी M12 का होल करेंगे, और इसमें एक M6 का बोल्ट लेंगे और उसका हाफ लेंथ कटिंग करके और वेल्डिंग करा देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम एफडी फैन के क्लैंप को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे M12 का बोल्ट है, ये हमारे M6 का बोल्ट है जिसमें डायल गेज हमारा टाइट है। इस प्रकार दोनों साइड हम यहाँ भी हम M6 का बोल्ट लेंगे, सेम उसी प्रोसेस दोनों साइड। ये हमारा फैन मोटर साइड है, ठीक इसी प्रकार रोटर साइड भी क्लैंप बनाकर डायल गेज फिट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम एफडी फैन में क्लैंप बना के अलाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।